हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ तुम लोगों के लिए। ये जो पहला जो पार्ट था, जो ट्रिक्स टू बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, उसका ही नेक्स्ट पार्ट है आज, जो बेसिक मीडियम के ऊपर मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में ट्रिक्स टू बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। ये जो आज का वीडियो है, ये बेसिक मीडियम का ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो तुम लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है? चलो तो देख लेते हैं क्या ट्रिक्स। तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें देखो, पहले जो ट्रिक है यहाँ पे, हम लोग एसिडिक मीडियम का जो बैलेंसिंग रहेगा, सेम टू सेम एसिडिक मीडियम का बैलेंसिंग ही हम लोग करेंगे, मगर यहाँ पे बैलेंसिंग के समय थोड़ा बहुत चेंज होगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को, ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, ठीक है? एंड तक देखो तो इजीली तुम लोग ये वीडियो देख के बैलेंसिंग बेसिक मीडियम का, जिसके बारे में स्टूडेंट का बहुत ही टेंशन रहता है, ये इजीली कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है? देखो, देखते रहो मेरे साथ। तो पहला एक जो एग्जाम्पल मैंने ले रहा हूं यहां पे, ये है देखो बच्चों, यहाँ पे I माइनस प्लस MnO फोर माइनस से MnO टू प्लस I टू हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, I माइनस से I टू और MnO फोर माइनस से MnO टू। तो I माइनस से I टू, ये देखने से पहले देखो ऑक्सीडेशन नंबर भी याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये फिर चार ऑक्सीजन है और यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा यहाँ पे कम हो गया, मतलब ये पार्ट क्या हो गया, रिडक्शन। तो एक रिडक्शन पार्ट होगा तो दूसरा वाला क्या होगा, डेफिनेटली ऑक्सीडेशन होगा ही, ठीक है? तो ले लेते हैं पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसमें देखो I माइनस से I टू, कितना आयोडीन है यहाँ पे, दो आयोडीन। यहाँ पे क्या क्या करोगे, टू I माइनस, दो आयोडीन बैलेंस किया। फिर देखो यहाँ पे टू माइनस है, यहाँ पे हम लोग टू माइनस दे देंगे, मतलब यहाँ पे भी टू माइनस, यहाँ पे भी टू माइनस बैलेंस हो गया इलेक्ट्रॉन का। ओके, चलो नेक्स्ट जो रिडक्शन पार्ट ले लेते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसमें देखो MnO4- से क्या होगा, MnO2 हो रहा है, यहाँ पे चार ऑक्सीजन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन। तो कौन सी साइड में ऑक्सीजन कम होगा, इस साइड में कम है। एसिडिक मीडियम में जैसा किया वैसे ही करना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिक्स क्या है, वो मैं बताऊंगा बाद में, देखते रहो ये वीडियो लास्ट तक देखना, तब हर एक रिएक्शन, मतलब बेसिक मीडियम का जितना सारा रिएक्शन होगा, वो इजीली आसानी से ये ट्रिक अप्लाई करके तुम लोग कर सकते हो, ठीक है? चलो तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन कम है, तो दो H2O डाल दो, फिर दो टू टू सर फोर, फोर हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा हो गए, तो इस तरफ फोर H प्लस डाल दो, हो गया। फिर देखो इसके साथ क्या हुआ, यहाँ पे चार प्लस और एक माइनस, मतलब टोटल चार्ज कितना हो गया, थ्री प्लस। इस साइड में कोई भी चार्ज है नहीं, जीरो। तो इस साइड में क्या करना पड़ेगा, अगर थ्री इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो थ्री प्लस थ्री माइनस बैलेंस जीरो, यहां पे भी जीरो बैलेंस हो गया, इक्वेशन नंबर टू। अब क्या करना है, सेम टू सेम लाइक द प्रीवियस वीडियो यू हैव सीन इन एसिडिक मीडियम, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन देखो ऑपोजिट साइड में आया है इलेक्ट्रॉन, मतलब हम लोगों का बैलेंसिंग सही चल रहा है, ठीक है? तो इस इक्वेशन को किस से, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन है, तो यहाँ पे तीन देकर और इसको दो देकर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? चलो बच्चों देख लेते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है। यहाँ पे सिक्स आई माइनस से थ्री आई टू प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन नंबर टू देख लेते हैं, दो से मल्टीप्लाई करने के बाद एट एच प्लस प्लस टू एम एन ओ फोर माइनस प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन से क्या मिलता है, यहाँ पे टू
MnO2+4H2O। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो गया, तो 6I- + 8H+ + 2MnO4- से क्या मिलेगा? राइट साइड का टोटल ऐड करो, 3I2+2MnO2+4H2O। ठीक है, अब देखो 8H+ है या फिर 3I2, तो ये ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब क्या करना है यहां पे? अब देखो यहां पे जो ट्रिक्स, मेन ट्रिक्स मैं बताने वाला हूं यहां पे, तो 8H+ है, इस साइड में कोई भी H+ नहीं है, तो जितना H+ रहेगा उसी साइड में पहले उतना OH- डाल दो, क्योंकि ये बेसिक मीडियम है। ठीक है, ऑपोजिट साइड में भी जितना H+ OH- लेफ्ट साइड में ऐड किया उतना ही OH- राइट साइड में भी ऐड कर दो। ठीक है बच्चों, तो फाइनल इक्वेशन क्या आता है देखो, यहां पे फाइनल इक्वेशन आता है 6I- + 8H2O, मतलब 8H+8OH- मिला के 8H2O प्लस 2MnO4- से क्या मिलता है? 3I2+2MnO2+4H2O+8OH-। ठीक है बच्चों, देख लिया? ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे मैंने वही रिएक्शन, नीचे वाला रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख लिया। तो देखो इसको वाटर, यहाँ पे 8H2O है, यहाँ पे 4H2O है, तो इस साइड में ज्यादा है, जितना ज्यादा होगा उतना माइनस कर देंगे, 4H2O+2MnO4- से 3I2+2MnO2+8OH-। ठीक है बच्चों, ये हो गया ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो अब चेक कर लेते हैं बोथ साइड्स आर इक्वल और नॉट, मीन्स एलिमेंट्स आर इक्वल और नॉट। यहाँ पे 6 आयोडीन, यहाँ पे भी 6 आयोडीन। हाइड्रोजन कितना है? 8, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑक्सीजन 4+8 12, यहाँ पे 8+4 12। बस, सो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन बेसिक मीडियम। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पूरा रिएक्शन देख के स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। और एक एग्जांपल ले लिया, Br- + MnO4- से क्या हुआ? Br₃ - MnO₂ बेसिक मीडियम में। तो देखो पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पार्ट नॉर्मली कैसे निकल सकते हैं, तो ये पार्ट क्या हुआ यहाँ पे देखो, विदाउट कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली करना सीखो। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन बढ़ गया, ऑक्सीजन का नंबर इंक्रीज हो गया, मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 था, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, तो क्या हो गया ये पार्ट? रिडक्शन हो गया। तो पहले क्या ले लेते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन पार्ट ले लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन Br- से BrO₃- हो गया, सेम टू सेम एसिडिक मीडियम की तरह जैसे किया वैसे ही करना पड़ेगा। 3 ऑक्सीजन है, ऑपोजिट साइड में 3 वाटर ऐड करो, सेम ट्रिक अप्लाई करो। 6 हाइड्रोजन ज्यादा ले लिया, तो ऑपोजिट साइड में 6H+ डाल दो। टोटल चार्ज काउंट करो, कितना चार्ज है? राइट साइड में 6+1-, मतलब कितना चार्ज हो गया? हाँ 5+, लेफ्ट साइड में 1 ही-। ठीक है, अब इसी साइड में अगर देखो 6+ है, यहाँ पे 1-6+1-, मतलब 5+, यहाँ पे 1 ही- है। तो अगर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन डाल दो और डाल दिया तो क्या होगा? हाँ डाल दिया तो 6+6- मिला के कैंसिल हो गया, 0 हो गया, न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पे 1- बचा गया। देखो 1 बचा रहा है यहाँ पे, तो ये जो बचा रहा है यहाँ पे 1 ही- और यहाँ पे भी 1-, तो -, यहाँ पे बैलेंस हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों,
रिडक्शन हाफ रिएक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, MnO4- से MnO2 हो गया, तो ले लेते हैं MnO4- से MnO2। कितना ऑक्सीजन है, इस साइड में 4 ऑक्सीजन, इस साइड में 2 ऑक्सीजन, तो इस साइड में 2 कम है इसलिए 2H2 ऐड कर दो। फिर 4 हाइड्रोजन ज़्यादा लिख लिया तो यहाँ पे 4H+ डाल दो। अब चार्ज बैलेंस करो, यहाँ पे 4+ 1- मतलब 3+, यहाँ पे कोई चार्ज है नहीं राइट साइड में, तो इसी साइड में अगर 3 इलेक्ट्रॉन डाल दो तो 3+ 3- न्यूट्रल हो गया, बस इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, अब इलेक्ट्रॉन पिछले बार जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन बैलेंस किया एसिडिक मीडियम पे भी जैसे तुम लोग इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हो सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, तो इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगा। तो देखो फाइनल इक्वेशन क्या आता है, यहाँ पे 1 से करना और सेम टू सेम लिख लेना सेम ही है, एक ही बात हुआ, BrO3- प्लस 6H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई मतलब 8H+ प्लस 2MnO4- प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2MnO2 प्लस 4H2। अब ऐड कर दो, ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो गया, फिर लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड, राइट साइड का राइट साइड, फिर भी यहाँ के देखो 8H+ है, ठीक है पहले पूरा रिएक्शन लिख लेते हैं, 3H2O प्लस Br- प्लस 8H+ प्लस 2MnO4- से लेफ्ट साइड का टोटल हम लोग लिख लिया, फिर राइट साइड का लिखो BrO3- प्लस 6H+ प्लस 2MnO2 प्लस 4H2, ठीक है बच्चों ये रिएक्शन लिख लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे 3H2O, यहाँ पे 4H2O, तो इस साइड में क्या एक H2O बचा रहा, यहाँ पे 8H+ यहाँ पे 6H+, तो यहाँ पे 2H+ बचा रहा। फाइनली रिएक्शन कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ से 3H2O प्लस Br- प्लस 2H+, देखो 3H2 नहीं लिखने से भी हो जाएगा क्योंकि ये बैलेंस, यहाँ के 3H2 यहाँ पे 4H2 है तो 1H2 यहाँ पे रह जाएगा, तो ये लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। 2MnO4- से क्या मिलेगा, यहाँ पे BrO3- प्लस, यहाँ पे तो H+ नहीं रहेगा क्योंकि एलिमिनेट हो गया, फिर 2MnO2 प्लस 1H2 रहेगा, ठीक है बच्चों। अब जो ट्रिक यहाँ पे अप्लाई होगा वो होगा, यहाँ पे 2H+ है तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड में भी 2OH- ऐड करेंगे, उस साइड में भी 2OH- ऐड करेंगे, ओके। तो फाइनल रिएक्शन देखो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ से Br- प्लस 2H2O प्लस 2MnO4- से BrO3- प्लस 2MnO2 प्लस H2O प्लस 2OH-। फिर से देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो 2H2O एक, यहाँ पे 2H2O, तो फाइनल और एक रिएक्शन आएगा और एक स्टेप में Br- 2-1, तो इसी साइड में 1H2 रह जाएगा प्लस 2MnO4- प्लस एरो के बाद BrO3- प्लस 2MnO2 प्लस 2OH- रह जाएगा, बस ये हो गया फाइनल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर यू गाइस। सो देखो चेक कर लेते हैं एक बार पूरा बैलेंसिंग हुआ कि नहीं, यहाँ पे Br- एक ही Br, एक ही Br, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो मैंगनीज, यहाँ पे भी दो मैंगनीज, ऑक्सीजन कितना रहा, 4 × 8 = 1 9, यहाँ पे 3 × 4 = 4 4 + 3 कितना हुआ 7 + 2 9, बस दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो चलो स्टूडेंट्स और एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक मीडियम का रिएक्शन तुम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके बारे में बात करते हैं। ये रिएक्शन
फॉस्फिन का प्रिपरेशन जो है उसका यूज किया जा सकता है, मतलब यही रिएक्शन ही यूज होता है फॉस्फोरस के साथ, NOH और H2O के प्रेजेंस में फॉस्फिन और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट NaH2PO2, PH3 हुआ फॉस्फिन। तो इसका आयोनिक रिएक्शन लिख लेते हैं, P4, सो NOH से OH-, वाटर तो वैसे ही मीडियम रहेगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, PH3+ NaH2PO2, मतलब Na नहीं लिखेंगे तो H2PO2-, ये होगा इसका आयोनिक रिएक्शन। ठीक है चलो, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे देखो दो ही चेंज फॉस्फोरस से ही हुआ, क्योंकि ये वो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगा, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जीरो से देखो, ये भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का कोई जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन ऐड हो गया। मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हाँ रिडक्शन, तो सिंपली लिख लो रिडक्शन। और यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेटली ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीडेशन होगा फिर दूसरा रिडक्शन डेफिनेटली होने वाला है। ठीक है चलो, तो पहले सेम टू सेम लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस के लिए भी ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया भी, चेक कर लो बेसिक मीडियम का बैलेंसिंग, ये जो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है चलो, तो P4 से क्या होगा ऑक्सीडेशन पार्ट में, H2PO2- हाइपोफॉस्फाइट आयन। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, देखो यहाँ पे चार फॉस्फोरस है तो यहाँ पे हम लोग पहले चार दे देंगे, उसके बाद कितना ऑक्सीजन ज्यादा लिख लिया राइट साइड में, कितना है 4 to the 8, तो यहाँ पे क्या करेंगे 8H2O ऑक्सीजन ऐसे ऐड करेंगे। फिर कितना हाइड्रोजन ज्यादा लिख लिया 8 to the 16, देखो राइट साइड में कितना है 4 to the 8, 8 to the 16 और यहाँ पे 4 to the 8 ऑलरेडी है, और कितना ऐड करना पड़ेगा 8H पर, मतलब 16 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। फिर देखो यहाँ पे चार्ज कितना रह गया, राइट लेफ्ट साइड में कोई भी चार्ज नहीं है, राइट साइड में 4-8+, जितना नंबर रहेगा मतलब कोफिशियंट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट जितना होगा उतना ही उसका पावर, मतलब माइनस यहाँ पे जितना है उतना ही पावर मतलब चार्ज हम लोग काउंट करेंगे, या ये प्लस होगा या फिर माइनस होगा, जितना ही रहेगा वही होगा। यहाँ पे देखो 8, यहाँ पे प्लस है मतलब 8+, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1- है मतलब 4-, 2 अगर चार्ज रहेगा तो 4 to the 8 हो जाएगा, ऐसे करके हम लोग करेंगे। ठीक है तो ये क्रिस्टल क्लियर आइडिया रहना चाहिए चार्ज के लिए। तो चार्ज यहाँ पे कितना रहा 8+ और 4-, मतलब 4+ रहेगा यहाँ पे 0, तो अगर यहाँ पे ही हम लोग 4- डाल दिया इलेक्ट्रॉन तो 4- और 4-, 8- और 8+ कितना हो गया 0 हो गया, बैलेंस हो गया, इक्वेशन नंबर 1। फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन ले लेते हैं P4 से PH3, कितना हाइड्रोजन देखो चार फॉस्फोरस, यहाँ पे हम लोग क्या देंगे चार फॉस्फोरस डालेंगे। फिर देखो यहाँ पे 4 to the 12 हाइड्रोजन दे दिया, यहाँ पे 12H+ डाल दो, ओके ठीक है 12+ हो गया चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसी साइड में अगर हम लोग 12 इलेक्ट्रॉन डाल दे बस टोटल बैलेंस हो गया 12-12+ 0 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ओके, अब क्या करना है सेम टू सेम एसिड की तरह यहाँ पे बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, यहाँ पे 4 यहाँ पे 12, तो इस इक्वेशन को 3 देकर मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो करने से क्या मिलेगा देखो यहाँ पे फाइनली 3 से मल्टीप्लाई करने से 24H2O+ 3P4 से 4 3 12H2PO2- +24H+ +12 इलेक्ट्रॉन, और नीचे वाला 1 से मल्टीप्लाई करना है या सेम टू सेम लिख लेना एक ही बात, 12- +12H+ +P4 से 4PH3 मिल गया। अब ऐड कर दो, ऐड करने से देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खत्म,
लेफ्ट साइड का लेफ्ट टोटल ऐड करो, राइट साइड का राइट टोटल ऐड कर दो, तो क्या होगा 24H2O प्लस 12H प्लस प्लस 3+1 4P4, उससे क्या मिलेगा 12H2PO2 माइनस प्लस 4PH3 प्लस 24H प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे H प्लस कितना है 12 और यहाँ पे 24, तो ये बैलेंस कैसे करना पड़ेगा देखो, 24H2O प्लस 4P4 से 12H2PO2 माइनस प्लस 4PH3 उसके साथ, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 12 था, तो यहाँ पे कितना रह गया बचा हुआ 12H प्लस रह गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग जितना ऑक्सीजन मतलब H प्लस रहेगा उतना ही क्या ऐड करेंगे, हाँ उतना ही OH माइनस ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 12 OH माइनस और इसी साइड में भी 12 OH माइनस ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना आता है टोटल 12 OH माइनस प्लस 24H2O प्लस 4P4 से 12H2PO2 माइनस प्लस 4PH3 प्लस यहाँ पे 12H2O आ गया। ओके देखो यहाँ पे फिर 12 यहाँ पे 24 फिर से माइनस करो 4P4 प्लस 12OH माइनस प्लस 12H2O से क्या मिलने वाला है यहाँ पे देखो बच्चों 12H2PO2 माइनस प्लस 4PH3। तो देखो 4 4 4 4 मतलब 4 का मतलब 12 मल्टीपल भी है यहाँ पे और 4 भी है, तो इसको डिवाइड करने से क्या मिलेगा फाइनली देखो P4 प्लस 3OH माइनस प्लस 3H2O से क्या मिलेगा 3H2PO2 माइनस प्लस PH3। बस ये हो गया तुम लोगों का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो और देखो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे कितना हुआ 4P फॉस्फोरस 4, यहाँ पे 3 और एक है 4, यहाँ पे 3 3 टू द 6 6 प्लस 3 9 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 प्लस 3 9 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन 3 प्लस 3 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 टू द 6 ऑक्सीजन। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, देखते रहो ऐसे करके वीडियो, मेरा वीडियो सपोर्ट करते रहो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा और देखते रहो। ये ट्रिक अप्लाई करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है तुम लोगों के लिए, स्कूल लेवल के लिए क्लास 11 का या फिर क्लास 12 में भी ये रिएक्शन है, कॉम्प्लीट द रिएक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बैलेंस के बिना कॉम्प्लीट द रिएक्शन कर नहीं पाओगे, एंट्रेंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसे करके देखते रहो, सपोर्ट करते रहो, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स अ लॉट एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो।